नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेगा बैंक मर्जर के बारे में। कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है मेगा बैंक मर्जर ऑफ थ्री बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो एंटिटी निकल के आएगी उसका नाम क्या होगा, शेयर्स किस तरीके से बांटे जाएंगे। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyiq.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फेसबुक पर मेरी आईडी है prashant.dhawan.79। इस आईडी को आप गूगल या फेसबुक पे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। यूपीएससी परस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 3। वहाँ पे सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी की कैटेगरी के अंडर इससे रिलेटेड सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मगर आप सबको ये क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है। अब जो हम मर्जर देख रहे हैं यहाँ पे तीन बैंक्स का, पहली बार देख रहे हैं कि बैंकिंग हिस्ट्री में हमारी तीन बैंक्स का मर्जर हो रहा है। इससे पहले हुआ है तो या तो बहुत से बैंक्स का एक बैंक में मर्जर हुआ था, जैसे SBI का हुआ था, या उससे पहले दो बैंक्स का मर्जर होता था। तो वैसा ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1993 में एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था, काफी हद तक न्यूज़ में भी था, ये पंजाब नेशनल बैंक का। तो आपको बताना है यहाँ पे किस बैंक को पंजाब नेशनल बैंक से मिला दिया गया था 1993 में। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, औद कमर्शियल बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो हमारे देश में आपको पता है कि एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 21 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 21 सरकारी बैंक है और ऑफकोर्स एक पेमेंट्स बैंक है। अब जो 21 सरकारी बैंक है, इनको देखकर ओवर द इयर्स काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने और वेरियस कमिटी की रिपोर्ट्स ने ये रिकमेंड किया है कि इतने सारे सरकारी बैंक नहीं होने चाहिए, मर्जर की आवश्यकता है, काफ़ी सारे बैंक्स को मर्ज करना चाहिए। और एक बहुत ही फेमस कमेटी थी, नरसिम्हम कमेटी। ये नरसिम्हम कमेटी सेकेंड थी, दो कमेटी थी ये, पहले आई थी 1991 में, फिर एक सेकेंड कमेटी बनाई गई थी 1998 में, इसने रिपोर्ट भी इस हिसाब से सबमिट करी थी इसकी। तो 1998 में जो नरसिम्हम कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था कि हमारे देश में मैक्सिमम 3 से लेकर 4 मेजर बैंक्स होने चाहिए, उसके बाद कुछ छोटे बैंक्स हो सकते हैं लोकल लेवल पर। मगर आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बैंक 21 हैं हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा है और इससे ना मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाती है, ना हमारे बैंक्स कंपेटिटिव बन पाते हैं और ना ये किसी भी तरीके से रैशनल है। इसके अलावा इस कमेटी ने और भी वेरियस सर्वेज ने, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो एसोचाम है इनका भी सर्वे आया था, उन्होंने भी यही देखा कि इंडियन बैंक्स इंडियन बैंकिंग के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं। हमारे पास 21 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे आर क्वाइट बिग, मगर इंटरनेशनली जब आप उनको बड़े बैंक से कंपेयर करते हो तो इंडियन बैंक्स वहां पर काफ़ी ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं ओनली 2 इंडियन बैंक्स, एक तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी पोजीशन थी 64th और दूसरा था ICICI बैंक जिसकी थी 81st फिगर अमंग द ग्लोबल 100 बाय टीयर 1 कैपिटल। ये एक कोर मेजर होता है एक बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का। तो टॉप 100 में सिर्फ 2 इंडियन बैंक आते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है ये टॉप 50 में भी नहीं आ पाता। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में अगर हमें इंटरनेशनल बैंक्स के साथ कंपीट करना है तो हमें मेजर बैंक्स बनाने होंगे ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए। और ये भी रिसर्च में पता किया गया है कि अगर बड़े बैंक्स होंगे तो वहाँ पर NPA की प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। ऑफकोर्स इनिशियली जब आप उनको जोड़ोगे, इनिशियली जब आप बैंक्स को बनाओगे, उस वक्त जो NPA की प्रॉब्लम इकट्ठी आएगी क्योंकि आपने तीन बैंक्स को जोड़ा, तीनों के NPA थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अब जोड़ दिया तो NPA बढ़ गए। इनिशियली आपको कुछ कैपिटल वहाँ पे डालना होगा, कुछ पैसे आपको वहाँ पे डालने होंगे, मगर उसके बाद आप अगर ढंग से मैनेज करें तो वहाँ पर NPA बनने के चांसेस रिलेटिवली कम हो सकते हैं। हमने आज के टाइम में देखा है कि NPA इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, परसेंटेज आप अगर देखें तो जो बड़े बैंक्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वहाँ पे आपको कम मिलेंगे, जो छोटे बैंक्स हैं उनसे छोटे बैंक देना बैंक या फिर और विजय बैंक भी हैं वहाँ पर आपको NPA की जो क्वांटिटी है इन परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी।
तो इसी विजन को फॉलो करते हुए 2 जनवरी 2019 को जो यूनियन कैबिनेट है हमारे देश की, जिसको चेयर करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने अप्रूव कर दिया है द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। देखो जो अमेलगमेशन शब्द है ना यहाँ पे, इसका हिंदी में मतलब होता है एकीकरण करना, मर्ज कर देना, जोड़ देना। तो जो स्कीम है ऑफ अमेलगमेशन, उसके अंडर बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और देना बैंक को मर्ज करने का फैसला अप्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे होगा क्या कि देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों को मर्ज किया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो जो एंटिटी निकल कर आएगी वो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा होगी। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत सी नई ब्रांच, बहुत से नए ऑफिसेज, बहुत से नए इम्प्लॉयीज जो देना बैंक और विजया बैंक के थे वो मिल जाएंगे। अभी के लिए इसे अप्रूव किया है। जो ये प्रोसेस है यूनिफिकेशन का, ये अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा। ये पहली बार हम देख रहे हैं हमारे देश में कि 3 बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये मर्जर है, इसे प्रपोज किया गया था सबसे पहले 17 सितंबर 2018 में, और इसे क्लियर किया गया है 2 जनवरी 2019 में। और ऑल टुगेदर आप अगर एमलगेमेटेड एंटिटी को देखें, जो बैंक मर्ज होकर बाहर आएगा इससे, इसका टोटल बिजनेस होगा वर्थ 14,82,000 करोड़ रुपीज़। बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और जो सरकारी बैंक्स की लिस्ट है, बड़े सरकारी बैंक्स की लिस्ट, उसमें नंबर 1 पे तो SBI ही रहेगा, नंबर 2 पे जगह ले लेगा जो अमेलगमेटेड बैंक यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। और ऑल टुगेदर जो ये नया बैंक होगा, ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बैंक होगा SBI और HDFC के बाद। अब जब ये बैंक बनेगा, जो मैंने आपको कहा है कि ये अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 के बाद से जो मर्जर का प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि सिंस आज के टाइम में, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी के लिए हमारे देश में 21 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो 2 यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ये अब बच जाएंगे फिर 19। और जैसे मैंने आपको बताया, सेंटर का जो प्लान है उसमें देना बैंक और विजया बैंक की जो भी ज़मीनें हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं, बोरोइंग्स हैं, जो भी इनके पास लाइसेंसेस, क्लेम्स जो भी हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और देना बैंक और विजया बैंक में जो इम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के हो जाएंगे। किसी की नौकरी यहाँ पर नहीं जाएगी, जो अपनी पोजीशन पे था वहीं पर रहेगा, बस ऑल टुगेदर जो कॉरपोरेशन है उसका नाम चेंज हो जाएगा, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये मर्जर का प्रोसेस होगा, अभी के लिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। अब बात आती है ग्राउंड लेवल पर मर्ज करने की। जैसे मैंने आपको बताया, सारी प्रॉपर्टी एक जगह आएगी, सारे जो यहाँ पे उनके राइट्स हैं वो भी एक बैंक के अंडर होंगे, तो ये किया जाएगा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के अंडर। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म एक अपने आप में मैकेनिज्म है, जैसे इसका नाम है, और इसको बनाया गया था बैंक्स को मर्ज करने के लिए। और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को हेड करते हैं हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी। उसके अलावा कुछ और मिनिस्टर्स भी यहाँ पे पार्ट हैं, मगर आपको जो हेड है उनके बारे में पता होना चाहिए। और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को सिंस अरुण जेटली जी हेड कर रहे हैं एज फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने ये भी बयान दिया है कि जो अमेलगमेटेड एंटिटी होगी, जो यहाँ पे जुड़ा हुआ बैंक उभर के आएगा सामने, उसे हम कुछ फाइनेंस भी प्रोवाइड करेंगे, कुछ पैसे भी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि तीनों बैंक्स के पास NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, बैड लोन्स हैं, तो वो इकट्ठे भी होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बहुत ही सक्सेसफुल मर्जर होगा। इनिशियली वहाँ पर भी कैपिटल की आवश्यकता होगी। अब एक सवाल आपके माइंड में ये भी होगा कि जो तीनों बैंक हैं इसमें से देना बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर है। PCA फ्रेमवर्क के बारे में बहुत सी वीडियो StudyIQ में बन चुकी है, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ ये क्या है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन RBI के अंडर आता है। मान लीजिए एक बैंक था, हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान के चल रहे हैं, मान लीजिए एक बैंक है, उसके पास 1,00,000 रुपये थे और उसने लोन बांटने शुरू किए, और जितने उसने लोन बांटे थे उसका जो 30,000 का अमाउंट है वो वापस नहीं आ पाया, ये बन गए इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ना वहाँ से इंटरेस्ट वापस आ रहा है, ना कैपिटल वापस आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर RBI क्या करेगा, इस बैंक को कहेगा आप अभी के लिए किसी और प्राइवेट एंटिटी को लोन नहीं देंगे, आपकी लोन देने की जो प्रिविलेज है हम उसे रोकते हैं। अब ये जो बैंक है जिसके लोन वापस नहीं आ रहे, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में होगा। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। और
इसकी वजह से क्या होगा कि इस बैंक को टाइम मिलेगा, ये रिकवर कर सकता है। हाँ, जो सरकारी एंटिटीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं, उन्हें ये लोन दे सकता है, मगर प्राइवेट कंपनीज को ये लोन नहीं दे पाएगा। अब ज़्यादातर PCA फ्रेमवर्क में जो बैंक्स हैं वो कुछ साल के लिए वहाँ पे रहते हैं, फिर सरकार उनको कैपिटल प्रोवाइड करता है वहाँ पर, और भी कोशिशें की जाती है कि NPE आने वाले टाइम में वहाँ पे ना आए, और फिर उनको छोड़ दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में लेंडिंग के लिए। तो देना बैंक, जिसकी हालत बहुत ज़रा ख़राब थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा NPA थे, उसे PCA फ्रेमवर्क में डाला गया था। अब देना बैंक जब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर आ जाएगा तो ये PCA फ्रेमवर्क से भी निकल जाएगा। मर्जर के बाद देना बैंक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट PCA फ्रेमवर्क से निकल जाएगा। अब फिर एक क्वेश्चन आता है स्वॉप रेशियो का, क्योंकि तीनों जो बैंक हैं यहाँ पर, देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये लिस्टेड बैंक है, मतलब कि इनके शेयर जो हैं वो ट्रेड होते हैं। अब जब पब्लिकली उनके शेयर ट्रेड होते हैं तो जब मर्ज हो जाएंगे बैंक, तो इनके शेयर जिनके प्राइस अलग है, देना बैंक का जो शेयर का प्राइस है ये अलग है, विजय बैंक का शेयर का प्राइस अलग है, सिमिलरली जो बैंक ऑफ बड़ौदा है सबसे महंगे इसके शेयर हैं, तो इन शेयर्स का वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर अनाउंस ये किया गया है कि एक स्वॉप रेशियो बनाया जाएगा, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, उसके पास देना बैंक के 1000 शेयर हैं, तो उस 1000 शेयर के बजाय उसको 110 शेयर मिल जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के। सिमिलरली अगर कोई विजय बैंक के शेयर्स को होल्ड करता है तो उसे 1000 शेयर के बदले 402 बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर मिल जाएंगे। ये है स्वॉप रेशियो। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो मर्जर हुआ है बैंक्स का, ये तीन बैंक्स का, उसमें स्वॉप रेशियो काफ़ी हद तक न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड था। तो दिस इज़ रिलेटेड टू द शेयर्स ऑफ द बैंक। अब यहाँ पर हमको ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से हमने दो वीक बैंक्स को एक स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मर्ज किया है, क्या ये सही रास्ता है या नहीं। क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए, देना बैंक सबसे वीक बैंक है यहाँ पर, इसके जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं ये 22% है, काफ़ी ज़्यादा है, और ये PCA में भी था। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत यहाँ पर देना बैंक की है, तो ये एक तरीके से मैं कहूँगा बहुत सारी लाइबिलिटी भी लेकर आएगा मर्ज्ड एंटिटी में। विजया बैंक कुछ हद तक बेटर परफॉर्मिंग है, यहाँ पर जो टोटल NPA रेशियो है वो 6.9% है, मगर इनके और भी इश्यूज हैं, लोन बुक इतनी स्ट्रांग नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी ज़रा बड़ा है, इसकी ग्लोबल रीच है, कई फॉरेन कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेज हैं, इंडिया में बहुत सी ब्रांच आपको इसकी मिलेंगी, और टोटल जो इनका बैड लोन का रेशियो है ये 12.4% है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें अच्छे बैंक्स को, जो बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, उनको खराब बैंक्स के साथ मर्ज करना चाहिए इस उम्मीद से कि एक सक्सेसफुल बैंक सामने आएगा। इस चीज़ को लेकर रघुराम राजन का एक काफ़ी डिफरेंट व्यू था। रघुराम राजन ऑफकोर्स आपको पता होगा, उर्जित पटेल जो जिन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन किया है, उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं अपनी स्टेटमेंट की वजह से। तो उन्होंने ये कहा था कि बैंक्स को आपको अगर मर्ज करना है तो तीनों सक्सेसफुल बैंक्स को आपको मर्ज करना चाहिए, जो बैंक सभी के लिए काम नहीं कर रहे उनको आप अलग रखिए PCA के अंडर, और धीरे धीरे वहाँ पर लिक्विडिटी इंजेक्ट करिए और उनको स्ट्रांग बनाइए। जो ऑलरेडी स्ट्रांग बैंक्स हैं उनको आप अगर उन बैंक से जोड़ेंगे जिनके NPA बहुत ज़्यादा हैं, तो उन स्ट्रांग बैंक्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हमको देखना होगा कि इन दी एंड जो अप्रोच है वो किसकी सही है, भारत सरकार की अप्रोच जहाँ पर वो NPA वाले बैंक्स के साथ जो बड़े बैंक्स हैं उनको मर्ज कर रहे हैं, या फिर रघुराम राजन का आइडिया कि जो स्ट्रांग बैंक्स हैं उनको आप चलने दीजिए, जो वीक बैंक्स हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग PCA के अंडर ही रखिए। खैर, हम लोग वापस अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो 1993 में पंजाब नेशनल बैंक को न्यू बैंक ऑफ इंडिया से मर्ज किया गया था, और जो नया बैंक निकल के आया था ऑफकोर्स उसका नाम पंजाब नेशनल बैंक ही रखा गया था। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।